यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुद्रावतार हनुमान भगवान के कई रूप हैं। भक्तों को कभी उनका पंचमुखी स्वरूप भाता है तो किसी को हाथ में पहाड़ उठाकर उड़ते हुए हनुमान जी का। लेकिन राजधानी लखनऊ में हनुमान जी का एक ऐसा संग्रहालय भी है जहां उनके 80,000 से ज्यादा स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं हनुमान जी के इस खास संग्रहालय में और कराते हैं बजरंग बली के कई सारे रूपों के दर्शन। हनुमान निर्णायक शक्ति, हनुमान पुरुषोत्तम भक्ति, हनुमान है मार्गदर्शक, हनुमान है भय विनाशक। हनुमान कहीं रीछ के रूप में तो कहीं पंचमुखी रूप में, कहीं हाथों में गदा ताने हुए तो कहीं हृदय चीर के माँ जानकी और प्रभु राम के दर्शन कराते हुए, तो कहीं मेहंदीपुर के बालाजी रूप में। जिधर देखो उधर हनुमान ही हनुमान। बजरंग बली के तकरीबन 80,000 रूपों को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम किया है लखनऊ के रहने वाले के चौरसिया ने। चौक की बान वाली गली में रहने वाले के चौरसिया के घर के पास ही एक छोटी सी पान की दुकान है। करीब 30 साल पहले के चौरसिया ने कुछ मन्नत मांगी और वो जब पूरी हुई तो उनकी हनुमान जी के प्रति आस्था इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हनुमान जी के चित्र और प्रतिमाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आज उनके घर के एक कमरे में ही हनुमान जी से जुड़ा पूरा संग्रहालय बन चुका है। जय 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 हनुमान, जय हो दया निधान, जय 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 हनुमान। आप जिस भी स्वरूप में हनुमान जी की कल्पना करेंगे वो इस संग्रहालय में जरूर मिलेगा। इस कलेक्शन की वजह से ही के चौरसिया को कई बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ ही कई दूसरे अवार्ड भी मिल चुके हैं। हम इस समय के चौरसिया के घर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कमरे में हर तरफ जहां भी आपकी नजर जाए तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली के चित्र, प्रतिमाएं और उनसे जुड़ा हुआ बाकी जो गदा है ये सब नजर आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ये कुछ सिक्कों का कलेक्शन है। इसमें 1818 के सिक्के भी मौजूद हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं और शायद आपने भी पहले कभी ना देखे हो। के चौरसिया जी, सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार आपने म्यूजियम बनाया है, जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई इसकी। ये 30 साल पहले जो है मैं राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी गया था दर्शन करने। उनके दर्शन करने के बाद जो है मेरे आस्था जगी कि जितना भी हनुमान जी का कलेक्शन मैं कर सकता हूँ करता रहूँगा। और उसी के बाद से मैं जगह जगह जहाँ भी जाता था जिस शहर में और बस हनुमान जी को ही ढूंढता रहता हूँ। इस अनोखे संग्रहालय में कई प्रतिमाएं तो खुद के चौरसिया ने अपनी कल्पना से बिना किसी सांचे के बनाई है। इस संग्रहालय में हनुमान जी न सिर्फ प्रतिमाओं और तस्वीरों में बल्कि सिक्कों में भी नजर आते हैं। आस्था के केंद्र बन चुके इस संग्रहालय में बजरंग बली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है। हालांकि इस समय कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं को आने से मना किया गया है। आस्था का एक ये स्वरूप भी है और अपने आप में एक अनोखा म्यूजियम भी, जहां पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आ चुके हैं। हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में पर्यटकों का आना कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन कई बार फोन करके भी लोग के चौरसिया जी से यहां पर इनके म्यूजियम को देखने की इच्छा जताते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।